कर रहे हम कार्य कार्य के लिए क्या करना, आपको ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं कार्य के लिए। जैसे सबसे पहले टायर्स के ग्रुप, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, और पिविट पॉइंट कर देना सेंटर में। कंट्रोल जी पिविट पॉइंट सेंटर में, इसे नाम देना व्हील वन। ठीक है, चार ग्रुप हमने बना लिए, तीन बना लिए, चौथा भी बना लेना और इसे नाम दे देना व्हील वन। ग्रुप सिलेक्शन के लिए एक एक एलिमेंट किसी भी ग्रुप का सिलेक्ट करो एंड प्रेस अप की फॉर ग्रुप सिलेक्शन। इसके बाद क्या करना, जो आपके ग्रुप्स हैं उसे एक लेयर में डाल दो, योगे टायर्स। देन खाली डोर्स को छोड़ देना, चेसिस को सेलेक्ट करना। इसे कर दो कंट्रोल जी और इसका जो पिविट पॉइंट है सेंटर में कर देना और नाम दे दो कार जीसस। ठीक है, इसके बाद इसको कंट्रोल जी लेफ्ट अंडरस्कोर डोर, कंट्रोल जी राइट अंडरस्कोर डोर। पिविट पॉइंट डोर का सेंटर में नहीं होगा, पिविट पॉइंट डोर का यहां पे होगा कॉर्नर में। डी और वी से स्नैप करा सकते हो, डोर यहां से खुलेगा। समझ आया?
अगर ऊपर करना है ऊपर भी करा सकते हैं, फिर ऊपर से खुलेगा, समझ आया? कॉर्नर पे रखते भी, देखो ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, समझ आया? अब तीनों ग्रुप्स को सेलेक्ट करके, तीनों ग्रुप्स को, डोर के थे ना दो ग्रुप्स, लेफ्ट और राइट और एक चेसिस, एक मास्टर ग्रुप बना लेना जिसे हम बोलेंगे मास्टर ग्रुप। समझ आया? अब हमारे पास कितने ग्रुप्स हो गए? चार टायर हो गए, फोर टायर्स, वन चेसिस, टू डोर्स, वन मास्टर, टोटल एट ग्रुप्स, आठ ग्रुप है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, सर्कल लेते हैं, हर टायर को एक एक सर्कल दे देना, ठीक है? मुझे इसको टायर के ग्रुप के बीच में अलाइन करना है। अलाइनमेंट के लिए आता है मॉडिफाई अलाइन ऑब्जेक्ट, सेंटर करो एंड लास्ट ऑब्जेक्ट कर दो, बिल्कुल सेंटर में आएगा। सर्कल को नाम दे दो वी अंडरस्कोर कंट्रोल वन, लाए, समझ आ रहे हैं? हर सर्कल को एक एक हर टायर को एक सर्कल, अब उसके बाद क्या करना, रेक्टेंगल ले लेना कार के लिए, और इसे कर देना, देखो नब्स में जो रेक्टेंगल होता है ना उसको अटैच करना पड़ता है, तो अटैच जरूर कर लेना। कनेक्ट ऑन करके अटैच ना, कर्व वाला लेना, सरफेस वाला नहीं। और फिर इसको डिलीट मारना, याद रखना आपकी कार और कैरेक्टर जो भी रिक करोगे वो ओरिजिन पे होने जरूरी है। सारे ग्रुप्स को फ्रिज जरूर कर देना, फ्रिज फॉर इनिशियल वैल्यू, इसे नाम दे दो, रोटेट वन, इसकी चार कॉपियां करानी है आपको, याद से चार कॉपियां चारों साइड रोटेट करने के लिए। फ्रिज जरूर करा देना, सारी चीजें फ्रिज होनी चाहिए, यहां तक कि सारे ग्रुप 00 होने चाहिए, सर्कल 00 होने चाहिए, कंट्रोलर 00 होने चाहिए। रेक्टेंगल चार लेने के बाद
एक और रेक्टेंगल लेना जिसे हम बोलेंगे मास्टर कंट्रोलर, ये हमारे कंट्रोलर्स बन गए। कंट्रोलर्स बनाने के बाद अपने टायर्स को, जो आपके टायर्स हैं उनके सर्कल का चाइल्ड बना देना। कैसे चाइल्ड बनाते हैं? सिंपली प्रेस पी, दोबारा बता रहा हूं, कोई एक सेलेक्ट किया रिम, प्रेस अप की फॉर ग्रुप सिलेक्शन, देन प्रेस शिफ्ट प्लस कंट्रोलर, प्रेस पी, क्या हो रहा है, सर्कल्स के ना चाइल्ड बन रहे टायर। आप सर्कल को इधर उधर ले जाओगे तो टायर भी साथ जा रहे हैं, समझ आ रहे हैं? अब इसको, इस टायर का चाइल्ड, चारों टायर्स का, चारों टायर अपने अपने सर्कल के चाइल्ड हो गए। अब ये चारों सर्कल मास्टर का चाइल्ड होना चाहिए। मास्टर कौन है? ये है पी। देखो ये हुआ बेटा, ये इसका फादर, ये उसका भी ग्रैंडफादर। कोई डाउट यहां तक? उसके बाद क्या करना, आपकी कार की जो बॉडी है, मास्टर ग्रुप है, कार का मास्टर ग्रुप बनाया था ना, कैसे सेलेक्ट किया, एक बार कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करो, प्रेस अप की, अगेन प्रेस अप की, मास्टर ग्रुप आ गया। नहीं तो आप विंडो में आउटलाइनर के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने ग्रुप्स को, लेफ्ट डोर, लेफ्ट डोर, राइट डोर, कार चेसिस, नहीं तो मास्टर ग्रुप। मास्टर ग्रुप को इसका चाइल्ड बनाना, पहले वाले का, ठीक है, फिर पहले वाला दूसरे वाले का चाइल्ड, फिर दूसरे वाला तीसरे वाले का चाइल्ड, तीसरे वाला चौथे वाले का चाइल्ड, और चौथे वाला पांचवा का चाइल्ड। तो ये आपकी ग्रुपिज्म हो गया कार्य के अंदर, समझ आया? तो आज क्या करो, ये कार के ग्रुप्स बनाओ एंड ऑल ग्रुप्स को कंट्रोलर्स के साथ चाइल्ड पेरेंट कर दो। नेक्स्ट सेशन में हम इनको बाइंड अप करेंगे।